तो लैपटॉप्स के साथ गेमिंग करना अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन आज हमारे पास एसर नाइट्रो 5 का 2022 वर्जन है, जो कि आपको एक अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस का और एक अच्छे प्राइस टैग का अच्छा बैलेंस देता है। हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ, और ये जो नया वर्जन है ये अराउंड 78,000 इंडियन रुपीज से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना अच्छा है। नाइट्रो 5 का डिज़ाइन कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल तो नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी प्लेन और सिंपल है, लेकिन ये एक बुरी बात नहीं है। ये एक गेमिंग लैपटॉप जैसा दिखता है, और इसके अंदर हमारे पास इसकी लिट पे कुछ कलर्ड स्ट्राइप्स भी हैं, जिसके बारे में मेरी कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी कूल दिखने वाले वेंट्स हैं इसके एक्सीलेंट कूलिंग सिस्टम के लिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसकी जो प्लास्टिक बिल्ड है वो एवरेज है, और इसकी जो लिड है उसमें भी थोड़ी फ्लेक्स है। अब ये लैपटॉप बहुत थिन और लाइट तो नहीं है, क्योंकि इसकी थिकनेस 2.7 सेंटीमीटर्स है और उसका वेट 2.5 किलो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गेमर्स के लिए कोई ये बड़ा इशू होने वाला है। मैं एसर का जो ज़्यादा प्रीमियम प्रेडेटर मॉडल है वो कवर करने वाला हूँ उसके बाद, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि वो वीडियो मिस नहीं हो। हमारे पास यहाँ पर एक 15.6 इंच IPS डिस्प्ले है, जिसके नीचे एक डिसेंटली थिक चिन है, और इवन इसका जो बेस वेरिएंट है वो फुल HD 144 हर्ट्ज है, जो कि एक इस सेगमेंट के गेमिंग लैपटॉप के लिए परफेक्ट है। इसका जो डिस्प्ले है वो 300 निट्स से ऊपर जाता है, तो ये इंडोर्स के लिए इजीली ब्राइट हो जाएगा। और इवन दो इसके कलर्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, ये एक अच्छा IPS पैनल है जिसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो अच्छे हैं, तो आप इसके ऊपर गेमिंग करना और वीडियोज़ देखना एंजॉय करेंगे। इसके डाउन फायरिंग ऑनबोर्ड स्पीकर्स के अंदर बहुत ज़्यादा लो एंड तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लाउड हो जाते हैं, तो आप इसके अंदर वीडियोज़ या फिर मूवीज़ देखना इजीली एंजॉय कर सकते हैं। कीबोर्ड इसका टाइप करने में काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि इसकी जो कीज़ हैं उनके बीच में काफ़ी अच्छी स्पेस है। इसके ऊपर आप काफ़ी फास्ट टाइप कर सकते हैं, और इसका जो टैक्टाइल फीडबैक है वो भी अच्छा है। इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा गेमरी फॉन्ट नहीं है, जो कि मुझे अच्छी बात लगी, और इसकी जो चिकलेट कीज़ हैं इसकी अनपेंटेड साइड्स के साथ वो भी काफ़ी कूल दिखती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉस्ट कीज़ हैं और जो एरो कीज़ हैं उनको भी अच्छे से हाईलाइट कर रखा है। कीबोर्ड की जो बैकलाइट है वो 4 जोन RGB है, तो इसके अंदर हमें पर की RGB तो नहीं मिलती, लेकिन इसके जो जोन्स हैं वो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होते हैं एक दूसरे में, तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। इसका माउस पैड काफ़ी एवरेज है, क्योंकि इवन दो आपको इसकी ट्रैकिंग में या फिर क्लिक्स में या फिर जेस्चर्स के अंदर कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, ये टच पैड का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसके अंदर जो प्लास्टिक सरफेस है वो भी काफ़ी ऑर्डिनरी है। कनेक्टिविटी इस लैपटॉप के अंदर काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लेफ्ट साइड के अंदर आपको एक ईथरनेट पोर्ट, एक USB-A पोर्ट और एक कॉम्बो ऑडियो जैक मिलेगा, और इसकी राइट साइड पर और दो USB-A पोर्ट्स हैं, और पीछे की तरफ आपको एक HDMI 2.1 पोर्ट मिलेगा, और एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिलेगा, जो कि डिस्प्ले पोर्ट और USB-C सपोर्ट करता है, और इस लैपटॉप को आप Type-C पोर्ट से चार्ज भी कर सकते हैं विद सपोर्ट ऑफ अप टू 65 वॉट्स। इस लैपटॉप को खोलना बिल्कुल आसान तो नहीं है, लेकिन आपको इसके दोनों रैम स्लॉट्स पर एक्सेस मिलता है, और यहाँ पर आप इसकी 512GB Gen 4 SSD को भी देख सकते हैं, जिससे कि ये लैपटॉप काफ़ी जल्दी बूट हो जाता है। आप इसका वाईफाई कार्ड भी अपग्रेड कर सकते हैं, इवन दो इसके अंदर आपको ऑलरेडी वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2 मिलता है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा स्पेस भी देख सकते हैं, जिसके अंदर आप एक 2.5 इंच HDD या फिर SSD लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको इसके अंदर जो रिक्वायर्ड केबल है वो भी मिलती है, और ये एक काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज अनलाइक अदर लैपटॉप्स जिनके अंदर सिर्फ SSD सपोर्टेड होती है, यहाँ पर आप काफ़ी सस्ते के अंदर स्टोरेज ऐड कर सकते हैं, इवन दो आप देख सकते हैं कि ये इससे थोड़ी बड़ी बैटरी के लिए जगह कम कर देता है। और अब हम टेस्ट कर रहे हैं नाइट्रो 5 2022 का 720p वेबकैम, और ये ऐसा दिखता और साउंड करता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे काफ़ी ज़्यादा लाइट फीड करें तो आपको डिसेंट रिजल्ट मिल जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, और जूम कॉल्स और गूगल मीट्स के लिए ये काफ़ी रहेगा। फाइनली अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो हमारे पास इसके अंदर इंटेल का 12th जनरेशन कोर i7-12700H है, जो कि एक 14-कोर 20-थ्रेड CPU है, और ये ऑफकोर्स एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन इसका जो फुल पोटेंशियल है वो हमें इस लैपटॉप में थोड़ा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि सिनेबेंच R20 के अंदर इसका स्कोर अराउंड 5500 रहा, लेकिन एसर का जो ज़्यादा प्रीमियम ट्राइटन 500 SE है उसका स्कोर ऑलमोस्ट 7000 था, और उस लैपटॉप के अंदर भी 12700H CPU ही है। अब जो इनका प्रेडेटर मॉडल है वो इससे ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, और जो 5500 का स्कोर है वो भी एक्चुअली लैपटॉप के लिए काफ़ी अच्छा है। ये जो Zephyrus G14 के अंदर AMD की 6900HS चिप थी उससे ज़्यादा स्कोर करता है, तो आपको इसकी परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट एज गुड एज इट्स प्रेडेटर मॉडल है, जो कि गेमिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आप अच्छे से मल्टीटास्किंग भी कर सकेंगे।
नाइट्रो 5 के अंदर RTX 3050 से GPU चालू होता है, और ये वाला जो मॉडल है इसके अंदर हमारे पास NVIDIA का RTX 3060 है, जिसके पास 140 वाट्स ऑफ पावर का एक्सेस है, जिससे इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चली जाती है। इस मॉडल में हमारे पास एक मक स्विच भी है, जिसकी वजह से कुछ टाइटल्स जैसे CSGO के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शानदार रही, क्योंकि इसमें हमें 70 से 140 FPS मिली मोस्ट ऑफ़ दी ट्रिपल ए गेम्स में, जिनको हमने हाई से अल्ट्रा सेटिंग्स पे रखा। और रेनबो सिक्स सीज जैसे ई स्पोर्ट्स गेम के अंदर तो हमें 240 FPS मिली, और इसकी जो रेट्रेसिंग परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि कंट्रोल में हमें 96 FPS मिली RTX ऑन रख के। इसका जो बेस मॉडल है वो भी 16 GB रैम और 512 GB जेन 4 SSD के साथ आता है, और कंबाइंड विद इट्स पावरफुल प्रोसेसर एंड GPU ये वीडियो एडिट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है। इसका एक कोर i5 मॉडल भी है जो कि RTX 3060 के साथ आता है, जो कि एक गेमर्स के लिए ज़्यादा बैलेंस चॉइस हो सकती है। और आप ऑफकोर्स इस i7 मॉडल को खरीद सकते हैं अगर आपको ज़्यादा CPU इंटेंसिव टास्क चलानी है, जैसे वीडियो एडिटिंग। अब हम इसके थर्मल्स की बात करें तो इसके जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो सकते हैं, लेकिन ये जो लैपटॉप है ये काफ़ी हवा पुश कर देता है, और ये 79 डिग्रीज का टेम्परेचर इसके GPU पे और 73 डिग्रीज का टेम्परेचर इसके CPU पे मेंटेन कर पाया एक 45 मिनट्स के गेमिंग सेशन के बाद। तो हमें इसके अंदर कोई थर्मल थ्रॉटलिंग भी देखने को नहीं मिली, जो कि एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और ये जो टेम्परेचर्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इस लैपटॉप के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, क्योंकि ये 7000 RPM से ज़्यादा चले जाते हैं, और आप जो इसकी चैसी है उस पर इसके फैंस की वाइब्रेशन भी फील कर सकते हैं। लेकिन इसका जो ऑटो मोड है उसके अंदर चीज़ें काफ़ी बेटर हैं, और आप इसको क्वाइट मोड पे भी रख सकते हैं। तो आपको इसकी थर्मल परफॉर्मेंस और इसके जो फैंस की लाउडनेस है उसका एक बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा आपके काम के हिसाब से। तो अभी इसके फैंस 7000 RPM से ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, तो आपको इससे एक थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि ये कितना लाउड हो सकता है। लेकिन इसका थर्मल सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से काम करता है, और इसका जो कीबोर्ड है वो भी सिर्फ 34 डिग्रीज पे ही था गेमिंग के टाइम, जो कि एक गेमिंग लैपटॉप के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो ये एवरेज है गेमिंग लैपटॉप के लिए, क्योंकि मुझे इसमें 4 घंटे का प्लेबैक टाइम मिला था यूट्यूब चलाते वक्त, जब इसकी स्क्रीन 50% ब्राइटनेस और 144Hz पे थी। इसकी जो 230 वॉट की चार्जिंग ब्रिक है वो 700 ग्राम्स की है, तो अगर आप इसे बैकपैक में रखेंगे तो इसका ध्यान रखना। तो ओवरऑल एसर नाइट्रो 5 के डिज़ाइन को देख के आपकी आंखें तो नहीं फटी रह जाएंगी, लेकिन ये एक काफ़ी वेल बैलेंस्ड गेमिंग लैपटॉप है, जो कि परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी अच्छे से डिलीवर करता है एक अच्छी प्राइस पे, विच इज़ दी मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसे चेकआउट करने के लिंक्स दे दूंगा। इस नाइट्रो 5 सीरीज़ के काफ़ी वेरियंट्स हैं, तो आप इसके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस की प्राइस चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब विद बेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।